आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज के ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद 100 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। आज का ये वीडियो Q&A वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहला क्वेश्चन है मनोज पांडे, भैया कितना टाइम लगा वीडियो बनाने में? तो भाई देखो, मुझे टाइम की बात करें तो एक वीडियो बनाने में लगभग, अगर बाहर का कहीं बाहर का कंटेंट है तो एक दिन में एक वीडियो तो बनी जाती है, और उसके बाद एडिटिंग, और व्लॉगिंग चैनल में एडिटिंग कम होती है तो इसीलिए एक ही दिन में कंप्लीट हो जाती है। उसको अपलोड भी कर सकते हैं एक ही दिन में, अगर मेहनत करना चाहते हो एक दो घंटे में ही अपलोड हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो जय शंकर यादव पूछ रहे कहाँ से हो भैया? तो जयशंकर भाई, मैं लखनऊ से हूँ। पहले तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से हो? मुझसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा यूट्यूब की मेरी जो छोटी सी फैमिली हुई है 100 सब्सक्राइबर हैं, तो आई होप आप वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो, अच्छे लगते हैं, तो बने रहेगा, प्यार देते रहेगा अपना। कहाँ से हो भैया? मैं लखनऊ में रहता हूँ और गोमती नगर में। और आगे बढ़ते हैं, आप कहाँ से हो? अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा आप कहाँ से हो। मोनू पांडे, Q&A क्या करते हो आप? तो भाई जैसा कि पहला काम तो स्टडी, सेकंड काम ये, और तीसरा चौथा काम तो है ही, अपना खुद का एक बिजनेस है जिसको हैंडल करता हूँ बस। राजू खान Q&A, राम राम भैया, आप एडिटिंग कैसे और कितने दिन में करते हो? तो भाई ये वीडियो के ऊपर होता है, वीडियो पे डिपेंड करता है। अगर 15 से 20 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट की वीडियो को एडिट करने में लगभग दो घंटे तक लग जाते हैं मैक्सिमम। और आप एडिटिंग कैसे? एडिटिंग के लिए मैं दो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एक फिल्मोरा Go 9 Pro और ओपन शॉट है, जिनसे मैं एडिटिंग करता हूँ। और चलो बढ़िया लगा भाई राजू खान। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र प्रताप मिश्रा, तुमसे मिलने का दिल करता है भी, यू आर ग्रेट ब्लॉगर, कि कुछ नहीं ला रहे हैं तो फैंस को निराश भी नहीं कर रहे हैं, इन वेटिंग योर नेक्स्ट वीडियो, सो एक्साइटेड। थैंक यू भाई, क्या लिखा है बंदे ने बहुत सही, थैंक यू वीरेंद्र प्रताप मिश्रा। हैशटैग राज के ब्लॉग, भाई आप अपने नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में लखनऊ के सेल्फी पॉइंट की वीडियो को शूट करें। बंदे ने आइडिया दिया है, चलो इस आइडिया को भी मैं अडॉप्ट ज़रूर करूँगा। तो वैभव सिंह की मैंने आईडी खोल के देखी, ये मोटिवेशन करते हैं, एक दो वीडियो इन्होंने डाली हैं तो बहुत अच्छी वीडियो है इनकी, तो जाके चैनल को एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं। और भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो वैभव सिंह, आपको जल्दी ही ये वीडियो मिल जाएंगी जो आपने जैसी रिक्वायरमेंट करी है, एक दो दिन में नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जयशंकर यादव फिर से क्वेश्चन किए हैं Q&A, #Q&A, भाई आप कौन सी क्लास में हो और YouTube के अलावा कोई और काम क्या काम करते हो? तो भाई मैं क्लास में हूँ, BCom करता हूँ, दाढ़ी तो थोड़ी बहुत ही है, मतलब आ चुकी थी, तो मैं BCom कर रहा हूँ, लास्ट ईयर होगा इस बार। अगर लॉकडाउन रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता मैं कहाँ हूँ अभी, कौन सी क्लास में हूँ, लेकिन एग्जैक्टली बोलें तो BCom कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मनोज पांडे ने पूछा, तगड़ी है लेकिन भैया दूर रहता हूँ तो गिव अवे में भाग नहीं ले सकता? कोई बात नहीं भैया, लखनऊ में नहीं रहते हो तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम आप आते हो कभी तो घूमने ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, आप अकेले भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ भी जाइए, अच्छी जगह है। तो भाई इनकी वीडियो, इनकी कमेंट पढ़ के अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है मार्केट नॉलेज, भैया कोई ऐसा प्लेस जहाँ फुल फैमिली के साथ जा सकें और बेस्ट प्लेस हो, अगर ऐसी कोई जगह हो तो प्लीज़ राज के ब्लॉग आस्क मी आंसर। तो भैया ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आप वहाँ पर जाके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो पहला अगर नंबर देखा जाए तो जनेश्वर और लोहिया, अंबेडकर पार्क, समझ गया शायद फैमिली के साथ जाने की बात कर रहे हैं, तो आप जनेश्वर चले जाइए, जनेश्वर भी गोमती रिवर फ्रंट, अंबेडकर पार्क और क्या नाम है उसका, कुकरैल पिकनिक स्पॉट, वहाँ भी जा सकते हैं, चिड़ियाघर लखनऊ ज़ू भी अच्छी जगह है, आप वहाँ जाइएगा, एंजॉय करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं भारत यादव, भाई ऐसा क्वेश्चन तो कॉमन सी बात है, अब ये पूछ रही हैं आपकी GF है क्या? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, इतना सही रहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है बस, और आगे कुछ नहीं।
अब आगे की बात करते हैं। रंजना पांडे, आस्क मी भैया योर रियल नेम एंड एज। वाह, आस्क मी भैया योर रियल नेम एंड एज। और रियल नेम शुभम पांडे, और एज की बात करें तो अभी 18+ अक्टूबर में हो जाऊंगा, 18 अक्टूबर में हो जाऊंगा, 17 हूँ अभी, चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, सोशल ईगो। आपको ये ब्लॉगिंग करने का आइडिया कहाँ से मिला? तो भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये ब्लॉगिंग करने का आइडिया कहाँ से मिला। तो ब्लॉगिंग की बात करें तो मैं पहले आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए एंटरटेनिंग वीडियो बनाने वाला था, वाइंस टाइप की वीडियो बनाने वाला था, जैसे कि विदाउट अब्यूज़ वर्ड यूज़ किए मैं ऐसी ख़तरनाक एक्टिंग के साथ साथ, ऐसी ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उसमें बंदों की कमी और लड़कों की कमी के चलते मैं, बंदे ऐसे थे कि 4 बजे बुलाना है तो वो 6 बजे आ रहे थे, दो घंटे उनके लेट चसता है वो, और उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करो, चार बजे बुलाओ, 6 बजे आ रहे हैं, दो घंटे मैं तो रुका ही हूँ, साथ में और लोग रुके हैं, हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? नहीं ना। तो भाई इसीलिए मैंने ये व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, ताकि मैं अकेले ही जो चाहूँ वो सब कर सकता हूँ। ये कैमरा, ये जो ट्रैपॉड पे जो कैमरा रखा हुआ है, ये मैंने खुद सेटअप किया है, ये वीडियो भी मैं खुद बना रहा हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद करता हूँ, पोस्ट भी मैं खुद करता हूँ, बाकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी बात है कि भाई, और बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, तो सोशल ई ग्रुप, तो थैंक यू। अगर आपको ये क्वेश्चन जानने थे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। यहाँ पर एक लोगो दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, चैनल ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको भी क्वेश्चन पूछने हो। आज मेरी 20 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ। अगर बारिश का मौसम कम होता है तो मैं आपको जल्दी ही थोड़ी अच्छी वीडियो, अच्छी क्या मतलब, थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँगा लखनऊ में, अपने ऐसी प्लेस, ऐसे जगह जहाँ पर आप कभी देखे नहीं होंगे, सोचे नहीं होंगे, वो सारी जगह मैं बताऊँगा। तो अगर लखनऊ से हैं तो एक बार लखनऊ के चलते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये लोगो यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा, लोगों पे क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलने वाली है नए सब्सक्राइबर के लिए। मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।